नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेड। दोस्तों, आज तारीख है 11 जुलाई 2019, और यहां पर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, एनालिसिस पसंद आएगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और शुरू करते हैं निफ्टी बैंक में शामिल स्टॉक की एनालिसिस। सबसे पहले 200 DMA को प्लॉट कर लीजिए। ये रेड लाइन जो है 200 DMA आ गई, और सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों इंडसइंड बैंक का। या सीरियल वाइज कर लेता हूँ, अगर नेम से कर लेता हूँ तो एक्सिस बैंक आता है सबसे पहला। चलिए एक्सिस बैंक बिल्कुल देख रहे, दो बार इसने ब्रेक करने का कोशिश किया इस लाइन को। डेली का चार्ट है, 760 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, अगर ये 760 को एक बार ब्रेक कर देता है ना, तो फिर इसके पास जो सपोर्ट आएगा वो डायरेक्ट 720 रुपये के आसपास का आपको दिखाएगा। यानी 760 के ऊपर जब तक बना है स्टॉक पॉजिटिव है। नीचे अगर ये 760 को ब्रेक करेगा तो 720 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट साइड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। पोजिशनली यहाँ पर जो भी व्यू बताऊँगा पोजिशनली होगा मेरा, कोई भी इंट्राडे के लिए नहीं होगा। जो इंट्राडे के लिए होगा मैं उसमें बोल दूंगा ये इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो ये भी पोजिशनली है, अगर ये 760 को ब्रेक करता है तो 720 का टारगेट दे सकता है एक्सिस बैंक। ऊपर अभी उसमें कोई भी पोजिशन नहीं बन रहा है देखने से। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा काम क्या कर रहा है दोस्तों, कि कंटिन्यू स्टॉक कमज़ोर है हालांकि, ठीक है, स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये कर रहा है, ये स्टॉक 200 DMA के ऊपर ही 5 से 6 दिन ट्रेड कर रहा है। यानी ये एक अच्छी साइन है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, ठीक है, ऊपर एक ट्रेंड लाइन का इस स्टॉक को रेजिस्टेंस है। ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 130 रुपये को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 130 को ब्रेक करेगा तो 140 का टारगेट आपको दिखाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी पोजिशनल। फेडरल बैंक, ये स्टॉक है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में अभी कोई भी क्लियर कट पैटर्न नहीं है। हाँ, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जरूर है, तो जब तक अगर आप लोगों ने पोजिशन बनाया हुआ है, किन्हीं लोगों ने, तो बिल्कुल यहाँ सपोर्ट आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 100 रुपये का। 100 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस बनता है, वहाँ पर अगर स्टॉक कट जाता है स्टॉप लॉस, तो फिर ये आपको नीचे 92 का लेवल दिखाएगा। तो जिन लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ है वो कृपया कर 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 108 रुपये को ब्रेक करना पड़ेगा तभी। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 103 रुपये को, तो फिर 100 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको सेल साइड पर प्ले कर सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक का। कैंडल देखने से आज, ये आज की कैंडल है, डेली का टाइम फ्रेम है, डेली का चार्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई मूवमेंट नहीं है, खास मूवमेंट है ही नहीं, बिल्कुल एक रेंज में फंस गया है। तो इसमें इंट्राडे का एक प्ले हो सकता है। इंट्राडे का प्ले क्या हो सकता है कि अगर ये 2415 के ऊपर निकलता है तो 2430 के टारगेट के लिए, 2440 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं इंट्राडे में। अगर ये 2415 के ऊपर 5 से 10 मिनट कल ट्रेड करता है तो बिल्कुल प्ले हो जाएगा 2430 और 40 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। और अगर ये कल ब्रेक कर देता है 2390 को नीचे की साइड में, तो बिल्कुल 2370 के टारगेट के लिए सेल साइड किया जा सकता है HDFC बैंक को इंट्राडे में। अगला स्टॉक है दोस्तों ICICI बैंक। बिल्कुल इस रेंज के बाहर जब तक नहीं निकलेगा हम लोग इसमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला है। ऊपर 436 को ब्रेक करेगा तो 442 का टारगेट देगा, नीचे 420 को ब्रेक करेगा तो 405 रुपये का, 410 और 405 का टारगेट दिखाएगा ICICI बैंक। जब तक इस रेंज में हमें बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं करना। IDFC फर्स्ट बैंक, देखिए इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते IDFC फर्स्ट बैंक में, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये मेरा अपना व्यू है। और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक्स है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अगर ये डीप आता है तो और आप इसमें एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए 5 से 10 सालों के लिए तो स्टॉक बेस्ट स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। ये अच्छा स्टॉक्स है, ये एक अच्छा मूवमेंट देगा। अगर ये ब्रेक कर देता है 46 रुपये को, तो एक अच्छा मूवमेंट जो कि 52 का लेवल आ रहा है वो आपको दिखा सकता है IDFC फर्स्ट बैंक। इंडसइंड बैंक देखिए आज इसने मूवमेंट, ये निफ्टी बैंक में गेनर स्टॉक भी रहा नंबर वन पे, तो ये एक अच्छा मूवमेंट में, कल भी मुझे एक मूवमेंट इसमें दिख रहा है कि अगर ये कल ब्रेक करता है 1560 रुपये के ऊपर की तरफ, तो 1600 के टारगेट के लिए आप इसमें पोजिशनली स्टॉक टारगेट दे सकता है आपको, और इंट्राडे में ये 1580 का टारगेट दे सकता है। लेकिन अगर ये 1560 को ब्रेक करेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं इंडसइंड बैंक। अगला स्टॉक है दोस्तों कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक बिल्कुल एक रेंज में फंस गया है। कोटक बैंक अगर आप देखें तो नीचे से इसी ट्रेन लाइन का ये सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। कोटक बैंक कंप्लीट इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। पिछले बार क्लोज आया था लेकिन ट्रेन लाइन को हिट किया था लेकिन क्लोज नहीं किया, वहाँ से बाउंस बैक कर गया, और साथ ही ऊपर से भी एक ट्रेन लाइन का इसको रेजिस्टेंस है। यानी ऊपर जाके ये ट्रायंगल पैटर्न डेवलप कर रहा है। हमें जब तक इस पैटर्न को ब्रेकआउट ना मिले ऊपर 1515 की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। 1515-1520 को अगर ब्रेक करेगा तो 1550 और 60 का टारगेट आपको पोजिशनली कोटक बैंक दिखा सकता है। नीचे अगर ये 1450 को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो टारगेट 1370 रुपये का दिखाएगा पोजिशनली कोटक बैंक।
अगला स्टॉक है पीएनबी। इसमें तो घोटाले पे घोटाले निकलते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या बताऊं? मैं बताऊंगा स्टॉक फिर 10% नीचे गिर जाएगा, ऊपर बताऊंगा नीचे चला जाएगा, नीचे बताऊंगा ऊपर चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अभी इस स्टॉक को दोस्तों इग्नोर ही करिए तो ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों ने पोजिशन बनाया हुआ कृपया 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के मेनटेन करिए, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर निकल जाइए। अगला स्टॉक है आरबीएल बैंक। अच्छा चीज़ है, 200 DMA के ऊपर क्लोज कर रहा है, बढ़िया है, लेकिन हमें अभी इसमें कोई क्लियर पैटर्न दिख नहीं रहा। क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा है, जब तक स्टॉक में कोई क्लियर मूवमेंट, कोई क्लियर पैटर्न ना दिखे तो एनालिसिस करने में बनता नहीं। क्लियर पैटर्न हमें 660 के ऊपर मिलेगा, अगर 660 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा टारगेट आपको देखा जाएगा 680 या 700 रुपये का पोजिशनली आरबीएल बैंक। अगला स्टॉक है दोस्तों एसबीआई। देखिए ये एसबीआई का स्टॉक है और ये निफ्टी बैंक है, तो निफ्टी बैंक में दो पार्ट होते हैं, एक प्राइवेट बैंक होता है और एक पीएसयू बैंक होता है ना, तो दोनों मिक्सअप है इसमें। मैं अलग से फिर पीएसयू बैंक की भी एनालिसिस कर दूंगा, अभी ये पूरा निफ्टी बैंक की एनालिसिस है। तो एसबीआई एक अच्छा मूवमेंट देगा, एसबीआई में वैसे भी सरकार ध्यान दे रही है अभी फिलहाल, तो एक 380 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। अगर ये क्लोजिंग करता है 366 को ऊपर की तरफ तो 380 के टारगेट के लिए आप बाय साइड में पोजिशनली स्टॉक्स के रूप में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन 366 के ऊपर इसको क्लोज होना चाहिए एसबीआई को उसके बाद। तो ये था दोस्तों निफ्टी बैंक में शामिल स्टॉक की एनालिसिस। इसके बाद मैं पीएसयू बैंक यानी सरकारी बैंक की एनालिसिस करूंगा। तब तक जुड़े रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।